मानती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो सही आदमी सही इंटरप्रिटेशन और सही नॉलेज से करे तो ज़रूर कोई उसमें एक आर्ट और साइंस है, बट आपको सही आदमी मिलना चाहिए जिसको सही नॉलेज हो। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये दोनों बहुत ही सबसे बड़े पावरफुल साइंस है अलॉन्ग विद वास्तु। न्यूमरोलॉजी से ना जाने कितने एक्टर्स, फिल्मों के नाम, उनकी रिलीज डेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम चेंज हुए हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। बट इसके साथ अगर एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी दशाएं क्या हैं, आपके अंतरदशाएं क्या हैं, आपके ग्रह कहां पर हैं, कैसे हैं, अलॉन्ग विद द नंबर्स, सो इट मेक्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। सो डेफिनेटली संख्याशास्त्र भी एक अपने आप में एक अलग साइंस है जो बहुत ही लोगों को हेल्पफुल हो सकता है अगर ये बुक पढ़ने से। बुक ये सारी न्यूमरोलॉजी में स्कूल से पढ़ी हुई है, सो आई नो अबाउट नंबर्स, आई नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बट मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे वहम आ जाए मन में, तो जैसे फ्राइडे द 13 का अगर वहम आ जाए तो आप सोचेंगे हाँ नहीं, बीच में मुझे कुछ दिन के बारे में ऐसा वहम था, समरी है चोरमी शनि की दशा थी, काफ़ी साल 10 साल पहले की बात है, एंड आई एक्चुअली लॉस्ट माई फादर ऑन अ सैटरडे एंड देन माई मदर, तो मुझे लगा कि वाकई सैटरडे को मुझे कोई अच्छा काम नहीं होना, और कुछ अच्छा काम हो भी रहा हो तो सैटरडे हो तो मुझे होता था कि आज ये काम अच्छा नहीं होगा क्योंकि शनि है, बट फॉर्चुनेटली वो मेरी दशा भी टल गई है और मैंने अपने मन से वो वहम निकालने की पूरी कोशिश की। आई थिंक इस कुछ है इस नंबर्स में वाइब्रेशंस हैं, आई थिंक प्लैनेट्स डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारा जो चंद्र है वो हमारे इतनी बड़ी जो अर्थ की जो वाटर बॉडी है उसको कंट्रोल करता है, तो इमेजिन करिए जो शनि ग्रह हैं, जो जितने बड़े बड़े ग्रह हैं, जो गंदा जाने हमारे धरती से ना कितने गुना बड़े हैं, उनका वाइब्रेशन कितना स्ट्रांग होता होगा। जब आप कई बार देखेंगे कभी आपका मूड अच्छा है कभी अच्छा नहीं है, तो हमारे दिमाग में भी 80% पानी है, जो चंद्र के चेंज होने से वो पानी के दबाव को भी चेंज करता है, इतनी बड़ी वाटर बॉडी को चेंज करता है, तो डेफिनेटली हमारी पानी दिमाग में जो है उसको चेंज करता है, तो इट डेफिनेटली इफेक्ट्स मूड स्विंग्स एवरीथिंग, यू कैन प्रेडिक्ट कि क्या कौन कब कब। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जब बच्चा पैदा होने वाला था तो उसकी टाइमिंग सेट करते हैं पहले से और फिर उस टाइम पर उसको पैदा करते हैं, यहाँ तक आगे पहुँच चुका है। तो आई थिंक डेफिनेटली मैं बिलीव करता हूँ और लोगों को पढ़ने के बाद खुद बिलीव होगा कि इट्स डेफिनेटली वर्क्स।